मुझे नहीं पता ये खेल कितना खतरनाक होगा, लेकिन किसी पर भी भरोसा मत करना। तुम मेरे बैड बॉयज हो तो मेरी लाज रख ले। सलमान खान और रजनीकांत के साथ भारत की सबसे बड़ी फिल्म का मंसूबा बनाया जा रहा है। हाल ही में ये खबरें गर्म हैं कि सलमान खान और रजनीकांत एक बड़े पैमाने की एक्शन फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं, जिसे इटली कुमार डायरेक्ट करने वाले हैं। ये फिल्म भारत की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स की माने सलमान खान और इटली कुमार के दरमियान इस फिल्म के हवाले से बातचीत जारी है। इब्तदा में इस फिल्म में रणवीर सिंह का नाम लिया गया था, लेकिन बाद में ये खबर झूठी निकली। अब कहा जा रहा है कि इटली इस फिल्म में शमाल और जनूब के दो बड़े सुपरस्टार को लाना चाहते हैं, रजनीकांत और सलमान खान। रजनीकांत बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली कुमार की तलाश रजनीकांत पर आकर खत्म हो गई है। इटली कुमार और सलमान खान अगले माह इस फिल्म के हवाले से मुलाकात करने वाले हैं। सन पिक्चर्स इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली है और इनका रजनीकांत के साथ पहले से ही मजबूत रिश्ता है। दूसरी जानब इटली कुमार गुज़श्ता दो सालों से सलमान खान के साथ इस प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि वो सलमान और रजनीकांत को एक साथ इस फिल्म में लेने में कामयाब हो जाएंगे। इस फिल्म का अभी तक कोई फाइनल टाइटल नहीं रखा गया, लेकिन बनाने वालों का इरादा है कि 2024 के आखिर तक इसकी शूटिंग मुकम्मल कर दी जाएगी। सलमान खान ने हाल ही में अपनी फिल्म सिकंदर की शूटिंग शुरू की है, जिसे आर मुर्गदास डायरेक्ट कर रहे हैं। दूसरी जानब रजनीकांत अपनी फिल्म कोहली पर काम कर रहे हैं, जिसे लोकेश कनकराज डायरेक्ट कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी फिल्मों की शूटिंग मुकम्मल करने के बाद इस नई फिल्म के लिए पिंक वाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली कुमार और सलमान खान इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर बातचीत कर रहे हैं। इटली कुमार ने सलमान खान को कई आइडियाज बताए हैं और दोनों ने एक आइडिया पर दिलचस्पी का इजहार किया है। इटली ने इस आइडिया पर काम करना भी शुरू कर दिया। हालांकि सलमान खान ने अभी तक इस फिल्म को बाज़ाब्ता तौर पर साइन नहीं किया और उन्होंने इटली कुमार से कहा है कि मुकम्मल कहानी सुनने के बाद ही वो हतमी फैसला करेंगे। अभी ये प्रोजेक्ट बातचीत के मरहले में और किसी भी पार्टी ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा तब इस प्रोजेक्ट को पूरी धूमधाम के साथ लॉन्च किया जाएगा। फिल्मी शायकीन इस खबर से बहुत परजोश हैं और इस फिल्म की बाज़ाब्ता ऐलान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अगर जेलर 2 का इंतज़ार है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मज़ीद बॉलीवुड फिल्मों के हवाले से अपडेट्स जानने के लिए मलिक एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करें।